नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी डॉट न्यूज। पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव 20 फरवरी को हुए थे, जिसमें बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए। कुछ घंटों की काउंटिंग के बाद तस्वीरें साफ होना शुरू हो गई, जिसमें रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को बम्पर बहुमत मिल रहा है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर सवार है। इतना ही नहीं, सीएम चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल जैसे दिग्गज अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब में आम आदमी पार्टी 90, शिरोमणि अकाली दल 8, कांग्रेस 14, बीजेपी 4 और 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। आपके सीएम उम्मीदवार भगवत मान इस वक्त करीब 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वोटों की गिनती के बीच पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चिन्नी चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर पहुंच गए हैं। चिन्नी जल्द ही राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सी डॉट न्यूज के साथ। धन्यवाद।